कि कद्दू कद्दू हुंदा है, कद्दू कद्दू हुंदा है, करेला करेला हुंदा है, बस बस हुंदी है, ते ठेला ठेला हुंदा है, ओ बकरा बकरा हुंदा है, ते लेला लेला हुंदा है, ओ कामा कामा हुंदा है, ते वेला वेला हुंदा है, ते उस्ताद उस्ताद हुंदा है, ते चेला चेला हुंदा है। सो बेनती करांगा समाज सेवा सोसाइटी दे प्रधान मास्टर कृष्ण लाल जी। बहुत ही सत्कारयोग नगर निवासी पिंड लादुका जिन्नी भी इत्थे संगत पुजी है उसनू जी आया आख्या जांदा है। आते दिल दियां गहराइयां नाल स्वागत कीता जांदा है। जेड़ा के तुसी तन मन ते धन दे नाल दिल दियां गहराइयां नाल इत्थे पुजे हो ते अज इस गल ते ज्यादा जाण दी लोड़ नहीं। अज असी 15 अगस्त धूमधाम नाल मना रहे हां ते इसका मकसद की है? तरक्की, भाईचारा ते अमन नू कायम रखना। पर बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि साडे विच कुछ कमियां कुछ अधूरेपन हन जिन्हां कारण साडे शहीदां दी आत्मा अज नाराज़ है। ए भी गल नहीं कि असी कुछ नहीं कीता, असी प्राप्तियां भी बहुत कीतियां ने, पर जिहड़ियां खामियां ने साडे वास्ते जेकर असी सचमुच 15 अगस्त 26 जनवरियां मनाउंदे आ तां जिहड़े अधूरे काम ने उहनां नूं पूरा कर सकीए तां कि असी अपनी आत्मिक शांति प्राप्त कर सकीए। असी जो मल्लां मारियां सानूं चेता है 70 दे दहाके विच 1970 ते 1980 विच आ साडी सड़क की हालत हुंदी सी। इत्थे बजुर्ग बैठे ने, साडे गड्ढे हुंदे सी, साडियां ट्रैक्टर ट्रालियां हुंदियां सी ते खुब जांदियां सी, पर साडे लोकां ने हिम्मत कीती, हौसला अफजाई कीती, अपनी कूक फरियाद नूं सरकार तक पहुंचाया। सरकार नूं जदों पता लग्या कि लोग बहुत दुखी ने, वाकया ही गड्ढे ते ट्रैक्टर खुब जांदे ने, तां उस वक्त साडी 1972 विच आ सड़क का निर्माण होया ते अज किस तरह असी सुख शांति नाल लंघ रहे हां। और उसके बाद समुचे पंजाब विच एक जाल विछा दिता, ये साडी आजादी का जिहड़ा है ये देण है। शायद असी अंग्रेजां दे गुलाम हुंदे तां ये आवाजाई साडी इस तरह की नहीं होनी सी। उस तो बाद असी प्राप्तियां कीतियां, सकूल असी जिन्ना अज अंग्रेजां नूं माड़ा कहने आ, जल्दी नाल कहना साडा गलत है, उन्हां नीह रखी सी कि साडा हिंदुस्तान अनपढ़ता दे थले गिरदा जा रहा है। सकूल हरेक कोने विच, हरेक समाज विच, हरेक पिंड विच होना चाहीदा है, तां उस दी नीह नूं असी होर मजबूत कीता। 1947 तो बाद असी पिंड पिंड स्कूल साड़ियां सरकारां ने दिते, पुलां दित्तियां, पानी दिते, पर इत्थे अफसोस नाल कहना पै रहा है कि पानी लई असी ओना जागरूक नहीं आ जिन्ना के साडा होना चाहीदा सी। साडी आ नहर जदों तक असी
ਵਗਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਨ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਹੈ ਤਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ